नया अंदाज नया तेवर, बड़ी नजर सही खबर, हर समय हर जगह तैयार, मुंबई का चौकीदार मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, दो दिन से गुड़ी पड़वा हिंदू के नए साल की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार हुई और वो धमाका किया है राज ठाकरे ने, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इतना बड़ा धमाका किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के तेवर बदल चुके हैं, सभी लोग अपने अपने आत्ममंथन में लग चुके हैं कि अब हिंदुत्व का मुद्दा किधर जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आने वाला है महानगर पालिका का चुनाव, अब इस चुनाव के मद्देनजर एजेंडा चलाया जा रहा है या फिर हिंदुत्व का मुद्दा जो बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जो शिवसेना ने कहीं ना कहीं उसको साइड पे रख दिया था, उसको कहीं ना कहीं एक जगह खाली थी और उस जगह को खाना को पूर्ति करने के लिए राज साहब ने जैसे ही ऐलान किया एक हिंदुत्ववादी स्पीच दिया, उस पर लोगों ने सर आंखों बिठा दिया और इतना बड़ा प्रतिसाद मिला कि पूरे देश में इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब अजान बनाम हनुमान चालीसा की राजनीति शुरू हो चुकी है। कल ही राज ठाकरे के घर पे नितिन गडकरी पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर बड़ा हो रहा है। अब इस बड़े होने के पीछे की राजनीति क्या है और इसके ऊपर का आगे का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और मनसे का, क्योंकि भाजपा को एक क्षेत्रीय पार्टी चाहिए अगर मुंबई में उसको काबिज होना है तो, क्योंकि अकेले दम पर मुंबई पर काबिज करना उतना आसान नहीं है जो, क्योंकि शिवसेना का एक गढ़ माना जाता रहा है मुंबई। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या गठबंधन होगा, गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर होगा, क्या राज ठाकरे पूरी तरीके से यूपी बिहार की राजनीति को, पर प्रांतियों के राजनीति को छोड़ करके हिंदुत्व के राजनीति पर आ चुके हैं। अजान बनाम हनुमान चालीसा, कल महेंद्र भानुशाली ने घाटकोपर में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाया तो उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी, सारे इक्विपमेंट जब्त कर लिए गए। पुणे में भी यही सिलसिला हुआ, वहां पर स्टे लगा दिया गया। चारकोप में दिनेश सालवी ने हनुमान चालीसा बजाया, वहां पर कार्रवाई हुई। आज हमारे साथ इस समय निखिल चित्रे जी हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र नरेंद्र सेना के उपाध्यक्ष, जो विद्यार्थी सेना के भी उपाध्यक्ष रहे हैं हमारे साथ हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या राज ठाकरे साहब ने ये हिंदुत्व का मुद्दा जो छेड़ा है, अखिल जी जो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा है, ये वाकई में हिंदुत्व के मुद्दे को कहीं ना कहीं शिवसेना ने जो बैकफुट पर रख दिया था उसको भरपाई करने के लिए उठाया हुआ मुद्दा है, जरूरत है, देश के लिए जरूरत है, हिंदुत्व के लिए जरूरत है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया, या चुनावी एजेंडा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए एक बनाया हुआ रास्ता है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की काफी खिलाफत करते हुए मंच पर राज ठाकरे जी पाए गए हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से जन फडणवीस की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह जी की तारीफ की है, इससे विपक्षियों में, अन्य पार्टियों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज ठाकरे साहब बिल्कुल बैक, यू टर्न लिए, राजनीति का यू टर्न, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले ना तो ये यू टर्न है ना तो ये जेड टर्न है। यू टर्न लेने वाले महाराष्ट्र के गद्दी पर मुख्यमंत्री बनकर विराजमान बैठे हुए हैं जी, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं वो तो जेड क्रॉस पता नहीं कौन से टर्न लेके वहां बैठे हुए जी। सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने आज तक जिनके भी खिलाफ आवाज उठाई है वो हमेशा सरकार में बैठे हुए लोग जी, जी, जी। जब सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इनके खिलाफ जब सवाल उपस्थित किए थे तब वो सत्ताधारी थे जी। आज सरकार में कौन है? तो आज सरकार में ये तिगाड़ी बिगाड़ी सरकार है जी। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी विरोधी पक्ष नेता जो होता है ना, वो अच्छा विरोधी पक्ष नेता तब कहलाया जाता है जब वो सरकार पर आक्रमण करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर सन्माननीय राज साहब ठाकरे सरकार में बैठे हुए लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं और उनको सवाल पूछ रहे हैं तो वो दिशा भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मोदी के बारे में क्या कहा था, अमित शाह के बारे में क्या कहा था? अरे आपसे क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन सत्ता में तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी भी है ना,
तो आज तो सवाल महाराष्ट्र से जुड़े कुछ सवाल थे ना, महाराष्ट्र से जुड़े सवालों पर प्रश्न चिन्ह। गठबंधन, गठबंधन का, जो गठबंधन का जिक्र हुआ, गठबंधन तो सम्माननीय राजसाहब ठाकरे ने इससे पहले ही खुलासा कर दिया है, हमारे नेता संदीप देशपांडे इन्होंने भी खुलासा कर दिया है कि कोई भी गठबंधन की कोई बात भारतीय जनता पार्टी से हुई नहीं है आज तक। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक कोई गठबंधन की बात हुई नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो अपने अपने जिला में, अपने अपने तालुके में, अपने अपने जहां पर वो रहता है उस वार्ड में अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर काम कर रहा है और हम एकला चलो की भूमिका में फिलहाल तो है और उस हिसाब से हम हमारे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी तक गठबंधन की चर्चा नहीं, आगे होने वाली है। वेट एंड वॉच। नितिन गडकरी जी पहुंचे स्वीकृत में, कल ही बातचीत हुई है, क्या आगे कुछ गुंजाइश लग रही है महानगर पालिका को चुनाव को देख करके गठबंधन हो सकता है? वेट एंड वॉच, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। नहीं, लेकिन आज जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया है आपके पार्टी प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से, क्या ये चुनावी एजेंडा है? अगर आज की जो चर्चा चली है, जो आज सवाल उठ रहे हैं, इसको माना जाएगा चुनावी एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए नजदीकों का रास्ता है? आज से 10 साल पहले जब आजाद मैदान पर अमर ज्योत की तोड़फोड़ हुई थी जी, जो कुछ मुस्लिम संगठनों ने वहां पे मोर्चा निकाला था और पुलिस कर्मचारियों को भी जब वहां पे मारा गया था, तब 1,00,000 लोगों से ज्यादा का मोर्चा ये सम्माननीय राजसाहब ठाकरे ने ही निकाला था और तभी भी वो हिंदू थे, वो आज भी हिंदू है। सिर्फ हमारी भूमिका रोज रोज हम हिंदू है ये रोज जाके टेरेस पे तो नहीं चिल्ला सकते ना। जब जब हमने भूमिका ली है तो हम, राज साहब ने यह भी कहा है कि हम मराठी है, अगर मराठी भाषा पर कोई आक्रमण होगा तो हम मराठी करके आगे आएंगे, जब हमारे हिंदुत्व को कोई नाखून लगाएगा तो हम हिंदू करके आगे आएंगे। नहीं, लेकिन अजान तो सदियों से चली आ रही है, ये आज के दौर पे अजान के खिलाफ बोलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? बाला साहब ठाकरे ने भी अजान के खिलाफ बोला गया था। और एक बात मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि अजान को हमारा कोई विरोध नहीं। सम्माननीय राज साहब ठाकरे का जो भाषण है आप ट्रांसलेट करके ध्यान से सुनिए, उन्होंने अजान को कोई विरोध किया गया जी। सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, एक फरमान है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो इल्लीगल लाउडस्पीकर्स है उन्हें नीचे उतारा जाए जी। 10 और 6 बजे के बीच में कोई भी किसी भी धर्म का लाउड स्पीकर डीजे नहीं बजना चाहिए, अलाउड नहीं है जी, जी, तो महाराष्ट्र सरकार उसकी अमल बजावनी क्यों कर नहीं रही है? ये एक सीधा सवाल उनसे पूछा गया है, इसमें हिंदुत्व, दंगे, हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी में भी हजारों मुस्लिम आज भी है जी। मतलब एक बात बताइए कि जैसे उन्होंने बोला राज साहब का, जैसे सुनाएंगे हमारे टेक्निकल सुनाई थी, उन्होंने बोला हम धर्मांध नहीं है, हम धर्माभिमानी है, हमको धर्म का अभिमान है, हमारे धर्म के बारे में कोई बात करे, फिर आपने धर्माभिमानी मतलब हिंदुत्व का मुद्दा कहीं कहीं आता है, लेकिन आप बोले कि हम हिंदुत्व की बात को नहीं ले रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो धर्मांध और धर्माभिमानी का मतलब क्या है? धर्म मी धर्मांध नहीं है, मी धर्माभिमानी है। इसका मतलब यह है कि मैं किसी धर्म का द्वेष नहीं कर रहा हूं जी, 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 लेकिन मुझे मेरे धर्म का अभिमान है जी। ये इसका स्पष्ट मतलब है जी। जहां तक रहा है सवाल, इससे हमने किसी भी धर्म का द्वेष यहां किया नहीं है जी, जी, हम सिर्फ जो कायदा, समान कायदा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको समान कायदा दिया है जी, हाँ, राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के बारे में बात की गई है यहाँ पर जी, 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 ठीक है। और जहां तक रहा है अभिमान का, धर्म अभिमानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज ही हुए, आज से 10 साल पहले हम, जो अभी मैंने आपको एक मुद्दा बताया, तभी भी जब आघात हुआ था तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पहली पार्टी थी, तब भी ये खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले पार्टियां थे महाराष्ट्र में, पर कोई आगे नहीं आया, सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये आगे आई, तो ये कुछ आज ही लिया हुआ मुद्दा नहीं है। जब जब ऐसा आक्रमण होगा तब तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सम्माननीय राजसाहेब ठाकरे के नेतृत्व में आगे आएगी जी। लेकिन एक बात ये समझ के, आप अगर लाउड स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उससे तकलीफ हो रही है, तो आप अदालत में जाते, कोर्ट में जाते, प्रशासन से बात करें, सरकार से बात करें, मंत्रालय में जाएं, अपील करें, निवेदन करें, मोर्चा निकालें, उसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ाना, ये कहीं ऐसा है कि कुछ न कुछ दंगे फैलाने वाली बात है, एक रोड पर, सड़क पर कुछ
गलत तरीके का माहौल क्रिएट करने जैसी बात है। इतने सालों से अजान हो रही है जी, हमारे मुस्लिम बांधव के धर्म के हिसाब से अजान होती है, अजान होनी भी चाहिए, सिर्फ सवाल ये है लाउड स्पीकर की बात। जी जी, ठीक है। तो इतने साल से कोर्ट का, अभी कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जी, जी। कहीं दंगे हुए आपको पता है कि दंगे हुए हिंदुओं ने जाके वहां दंगे किए या किसी अन्य धर्मियों ने जाके वहां दंगे किए? तो जब किसी मंदिर पे, अभी ये कल की जो बात है, कुछ मीडिया में गलत फैलाया गया कि मस्जिद के बाहर या मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजे, तो ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शाखे पे बजाया गया और कुछ जगहों पर हनुमान मंदिर में बजाया गया। जी नहीं, लेकिन लेकिन राज वो दिन में बजाया गया। लेकिन राज साहब ने जो बोला है वो बोला है कि जहां पे भी मस्जिद पे अजान बिनती भोपा लगा के बजाया जाता है वहां पे दुप्पट आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाए। राज साहब ये उन्होंने खुल के बोला। राज साहब का क्लियर स्टेटमेंट मैं मराठी में आपके चैनल पे बता देता हूँ जी, कि जर महाराष्ट्र सरकार ने जी हे भोंगे उतरवले नाहीत, अनधिकृत भोंगे उतरवले नाहीत, ज्यांनी समाजाला त्रास होता है, मतलब जिससे समाज को तकलीफ हो रही जी, अगर वो नहीं उतारे तो मैं आज यही ये कहना चाहता हूँ कि इससे आगे हनुमान चालीसा का पठन भी लाउड स्पीकर पे बजाया जाए। हमारा सुनवाई आप सुनिए, स्पीच को यहाँ क्लियर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी अजान बजता है वहां पर दुप्पट आवाज में लाउड स्पीकर बजा करके हनुमान चालीसा बजाया जाए। शुरू करिए, बताइए। दिन वरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। त्याच्या शब्द का इस्तेमाल हुआ। Absolutely right. जी, आपने बोला कि नहीं वो मंदिर में हमारा बजाना, आपका कहना है कि नहीं वहां पे बजाना। हमारा मुद्दा ये है कि कल की आपने बात की, तो कल की बात मैं आपको हमारे ऑफिस के बाहर और प्रतीकात्मक मंदिरों में बजाएगा। लेकिन राज साहब का ऐलान, लेकिन राज साहब का ऐलान क्या है? वहां है कि वहां पर बजाना। वहां पे भी सरकार ने कार्रवाई की जी, तो जो कोर्ट का फरमान है ये महाराष्ट्र सरकार मानती नहीं क्या जी? तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने अनधिकृत लाउड स्पीकर पे अन्य जगहों पर क्यों कार्रवाई की नहीं? दूसरा सवाल, सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने जो कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर वो किया नहीं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड होता है जी। अगर किया नहीं तो आज ही मैं यह ऐलान कर देता हूं कि इससे आगे लाउड स्पीकर दुप्पट आवाज, अगर सरकार एक गलत चीज नहीं रोक रही है तो उसका विरोध करने के लिए हम दुप्पट, जो आप कह रहे हो कि डबल आवाज में बजाया जाए, तो ये इफ्स एंड बट्स की बात है और ये आगे भविष्य में होने वाली बात है। कल ऐसा कुछ हुआ नहीं, नहीं कल अच्छा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक, अगर अगर उनके स्पीच के बाद ही प्रक्रिया हुई है, उसके पहले नहीं हो रहा था, उसकी स्पीच, उनकी स्पीच के बाद ही ये हनुमान चालीसा का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद मुस्लिम समुदाय उग्र हुए हैं। ये क्या एक जो आक्रामक तेवर मन से का है, ये कहीं शांति से कोई दो, 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 कोई बात को सुलझाने की बजाय मन से अपने एक अलग स्टाइल में इस अलग अलग मुद्दे को सुलझाने की कोशिश क्यों करती है, जिससे एक उग्र पैदा हो, एक विवाद पैदा हो, एक झगड़ा पैदा हो, ऐसा क्यों? मुस्लिम समुदाय क्यों उग्र हुआ है? और ये आपकी मालूमात मुझे पता नहीं कितनी राइट है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को उग्र होने का कोई यहाँ कारण ही नहीं है जी। क्योंकि जो अजान जहाँ हो रहे हैं वो तो शुरू ही थे इतने टाइम से जी, ठीक है। अभी जहाँ पे भी लाउड स्पीकर की ये जो बात है हनुमान चालीसा की कल बजाई गई, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अभी ये सब कायदा कानून बाजू में रख देते, अगर आपके लाउड स्पीकर से दूसरों को तकलीफ नहीं है जी, तो भाई हमारे लाउड स्पीकर से आपको क्यों तकलीफ है? तकलीफ है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जो भी लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं वो मंदिर के ऊपर बजाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और इन्हीं जगह पर हुआ है शायद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऑफिस पे बजाए जा रहे हैं, तो उग्र होने का कारण क्या है? और फिर आप जो इतने साल से आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तब कौन उग्र हुआ? तब कुछ
आपको उग्र प्रतिक्रिया कहीं से आई क्या? जी जी। तो फिर क्यों वो उग्र हो? ये मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ। अच्छा, एक, एक, एक और बाला साहब ठाकरे ने हमेशा एक बात किया था कि अगर वो लोग सड़क पर अजान कर नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे तो हम सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये एक इससे भी कहीं कहीं बहुत ट्रैफिक की समस्या होती है, तकलीफ होती है और लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं, क्या उसके बारे में राज साहब ठाकरे ने कोई जिक्र नहीं किया? अजान को ही लेकर के जिक्र किया गया है इसका, जो महाआरती महाआरती करने का। बाला साहब ठाकरे ने बोला कि जहां नमाज पढ़ेंगे वहां हम महाआरती करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसके ऊपर आप मनसे का क्या रुख रहेगा? एक्चुअली ये जो सवाल है ये शिवसेना से पूछा जाना चाहिए, लेकिन शायद आज के दौर में वो जवाब नहीं दे पाएंगे जी, क्योंकि अभी वो खुद कंफ्यूज है कि वो है कहाँ। अभी वो ये बोले कि कुछ और बोले। बाला साहब ठाकरे ने जो बोला वो मुझे पता है। बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि अगर अजान हुए और रोड पे नमाज हुए तो मंदिरों के बाहर भी महाआरती होगी। ये उस वक्त के सरकार को बाला साहब ठाकरे ने कहा था। नहीं, थोड़ा 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 हम दिखाते हैं, थोड़ा हम दिखाते हैं, दिखाई थोड़ा दिखाई, रिपोर्ट दिखाइए रिपोर्ट। तो चलिए, जो ये रिपोर्ट जो है, जो जो भी बाला साहब ठाकरे ने बोला कि महाआरती होगी सड़कों पर, राज साहब ने अजान के ऊपर बोल दिया, भोपा के ऊपर बोल दिया, ये भी तो एक समस्या है। इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया उन्होंने? अगर अगर आपको ये देते हैं कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है, तो ये भी तो एक तकलीफ की समस्या है जो बाला साहब ठाकरे ने पहले से उठा के रखा है और अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसको क्यों नहीं राज साहब ठाकरे ने याद किया? बाला साहब ठाकरे, राज साहब ठाकरे एक ओरिजिनल आइडेंटिटी जी। राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के तालीम में जरूर तैयार हुए, लेकिन उनके आइडेंटिटी अलग है, खुद के सोच विचार है, वो खुद उनके विचार बहुत एग्रेसिव तरीके से और फुल पढ़ लिख कर आगे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है कि बाला साहब ठाकरे ने एक मुद्दा उपस्थित करके रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि आज तो सरकार में बाला साहब ठाकरे जिस पार्टी के नेता थे उनके ही सुपुत्र सीएम भी है महाराष्ट्र के और उनकी पार्टी महाराष्ट्र राज्य में है जी। तो मुझे लगता है ये सवाल कायदा सुव्यवस्था का सवाल है जी, उनसे तो मुझे लगता है उनसे पूछना नहीं चाहिए, उनसे ये इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जी, 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 जी। तो आपके जब वो चैनल पे आएंगे तो आप जरूर उनसे ये पूछना। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो कोई सत्ता में फिलहाल है नहीं, और फिर हम कोई मुद्दा उपस्थित करेंगे तो आप बोलोगे कि दो समाज में हम दंगे कराना चाह रहे हैं, दो समाज में वाद विवाद कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स नहीं चल रही है इसलिए हम इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो आपकी तो पॉलिटिक्स चल रही है ना, आप तो सीएम के गद्दी तक पहुंच गए, तो आप जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, रोका किसने आप? नहीं नहीं, अच्छा चलिए रिपोर्ट पहले देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्या क्या बाला साहब ठाकरे ने कैसे बोला था और राज साहब ठाकरे ने किस तरह ऐलान किया था, दोनों का जिक्र हम यहाँ पर दिखाते हैं। चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूप बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं। आज सांगतोय, आता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मुंबई के शिवाजी पार्क में गुड़ी पाड़वा पर राज ठाकरे की ललकार में पूरे महाराष्ट्र ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का अंदाज देखा, वही स्टाइल वही तेवर देखा, मुसलमानों के खिलाफ वैसी ही नाराजगी देखी। लगता है नए साल में राज ठाकरे ने अब कट्टर हिंदुत्व का चोला पहन लिया है। मशीदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ तब बाला साहेब ठाकरे थे, अब सड़कों पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे हैं। अब बाला साहेब ठाकरे से एक कदम आगे बढ़ते हुए राज ठाकरे ने लाउड स्पीकरों से अजान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तब बाला साहेब ठाकरे नमाज के खिलाफ सड़कों पर महाआरती की बात किया करते थे, अब राज ठाकरे हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखा था कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। धर्माभिमानी है, माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नहीं है, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। बाला साहेब ठाकरे को देशभक्त मुसलमानों से एतराज नहीं था, राज ठाकरे को भी नहीं है, लेकिन अब वे कट्टर हिंदुत्व के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनने की दिशा में भी चल पड़े हैं। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। क्या हिंदू हृदय सम्राट जो एक
ओहदा बाला साहब ठाकरे के सर पर था, क्या उस उपाधि को पाने की कोशिश, उस विरासत को पाने की कोशिश राज साहब कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं समानता दिख रही है, बोलने का अंदाज भी दिख रहा है, मुद्दा भी वैसा ही दिख रहा है। एक अजान, एक नमाज के खिलाफ, एक अजान के खिलाफ, एक महाआरती, एक हनुमान चालीसा। तो ये क्या कहीं ना कहीं उस हिंदुत्ववादी मुद्दा, हिंदू हृदय सम्राट का ओहदा, ये पाने की कोशिश हो रही है? समानता तो हमेशा से ही थी जी, समानता तो राज साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में हमेशा से ही थी, और वो महाराष्ट्र की जनता नहीं, देश की जनता जानती है, उन्होंने देखा है, उन्होंने उसे उसका अनुभव भी लिया जी, जी। जहां तक रहा सवाल हिंदू हृदय सम्राट या हिंदू जननायक, जो भी वो पदवी है जी, वो लोग बहाल करते हैं, वो हम कार्यकर्ता नहीं कर सकते जी, जी। जब महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता को वो लगेगा तो महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता उसे, वो सम्माननीय राज साहब ठाकरे को वो बहाल किया जाएगा। क्या वो समानता हमारे तरफ से हम नहीं देते हो? नहीं, क्या वो समानता राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में आप नहीं देखते? आपको दिखता है? नहीं, आप बताइए, अपने अपने हिसाब से। आपके व्यूअर्स को भी शायद नहीं दिखता जी। राजेश सोनी जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए? सुरन झटिंगे भी जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है, राज साहब ने जो मुद्दा उठाया वह पहले किसी समय एक दौर में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने भी उठाया था। आज शिवसेना ने उस मुद्दे को कहीं ना कहीं बैकफुट पे रखा, वह जरूरतें आज के दौर में कहीं ना कहीं लोगों में देखी जा रही है, वो कमियां अभी तक है, उस कमियों को पूरा करने के लिए राज साहब ने जो मुद्दा उठाया, राज ठाकरे ने जो गुड़ी पड़वा के दिन बात की, उनका ऐलान होता था विजयादशमी को और इनका ऐलान हुआ गुड़ी पड़वा पे, तो एक जो ऐलान है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजेश जी की कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि लेने की होड़ में राज साहब आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के शिवसेना बौखलाई हुई है। जी सर, हिंदुत्व की स्पेस वैकेंट हुई है जब से शिवसेना ने महाविकास अगाड़ी में सरकार बना ली, उनके साथ शामिल हो गई, कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया शिवसेना ने, तब से बीजेपी कह रही है कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को गिरवी रख दिया और इसके बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की स्पेस वैकेंट हुई है और अब राज ठाकरे की पार्टी मन से हिंदुत्व की स्पेस जो वैकेंट हुई है उसे भरने की पूरी कोशिश कर रही है। और बाला साहेब ने भी शुरुआती दौर में दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, राज साहेब ने भी उत्तर भारतीय अपर प्रांतियों के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, बाद में बाला साहेब ने अपनी राजनीति को हिंदुत्व के तरफ डाइवर्ट कर दिया, अब वही स्ट्रेटेजी राज ठाकरे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। राज साहब भी अब हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में राज साहब और हिंदुत्व के लिए एग्रेसिव हो और आने वाले समय में उनकी छवि भी एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर हो सकती है। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति के तरफ अब मनसे आगे बढ़ चुकी है, अब मनसे के बैनर पर जय श्री राम के नारे लिखे होते हैं और उनके कटिंग्स भी अब श्री राम के लगे रहते हैं, जैसे हम हमारे ऑफिस के बाहर भी देख सकते हैं सर, अब श्री राम के कटिंग्स है, भगवान श्री राम के कटिंग्स दिखते हैं उनके होर्डिंग्स पे और जय श्री राम के नारे नजर आते हैं और झंडा भी भगवा हो गया है पार्टी का और अब सिंबल भी राजमुद्रा हो गई है शिवाजी महाराज की, तो पूरे तरीके से भगवा रंग में घुल चुकी है मन से अब तक जी। चित्र जी क्या बोलेंगे, भगवा रंग में पूरी मन से घूम, पहले का झंडा कुछ आपका कुछ और था, इस समय आपका झंडा अलग है, इस समय चिन्ह अलग है, उस समय का चिन्ह अलग था, उस समय आप राम 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 जी के आप नारे लग रहे हैं, श्री राम जी के स्लोगन लिखा हुआ था, श्री राम की आप कटिंग लेके तो चल रहे हैं, तो कहीं कहीं पूरा हिंदुत्ववादी, पहले देखा जाए तो पहले साहब शिवसेना भी पहले एक समय था लुंगी पुंगी, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, फिर टोपी के आप ऊपर आया, फिर यूपी बिहार के ऊपर आया, भैये के ऊपर आया, पर मन से नहीं भी वही तो वही स्टाइल पकड़ा था, पर प्रांतिक का मुद्दा मन से ने बहुत तेजी से उठाया था, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुत्व को डाइवर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाला साहब ठाकरे की राजनीति का पूरा पूरा रास्ता वही दिख रहा है। हमारी हमारा जो मतलब मन से शिवसेना बनना चाहती है या मन से एक अलग अपना अपना खुद को प्रेजेंट करना चाहती है? मन से एक अलग आइडेंटिटी है, मन से तो आज की शिवसेना बन ही नहीं सकती जी जी, क्योंकि आज की शिवसेना नहीं, पहले की शिवसेना, पहले की शिवसेना बनना चाहती है, पहले की शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वह मन से बनना चाहती है 101% और वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जहां तक रहा सवाल आपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ध्वज झंडे की बात, तो उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है जी,
छत्रपति शिवाजी महाराज का जो थॉट प्रोसेस था उसको तंतोतंत पालन करने की कोशिश, ये आप अगर राज साहब के कोई भी पहली स्पीच भी अगर उठा के देखो जी, जो फर्स्ट स्पीच राज साहब ने मन से स्थापन करने के बाद की थी जी, उसके बाद में एक बड़ी स्पीच शिवाजी पार्क पे राज साहब की, उनके ऊपर बंदी लगी थी बोलने पे, उसके बाद जब हुई तभी भी आप अगर वो स्पीच भी निकाल के देखो तो ये ऐसा नहीं है कि आज ही अनुकरण किया जाए। बाला साहब ठाकरे हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के थॉट प्रोसेस को हमेशा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने और कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र सैनिकों ने फॉलो किया जी, जी। ठीक है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वो भगवा ध्वज और वो राजमुद्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा है उसे हमारे ध्वज पर लाया गया, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ गैर या गलत नहीं, नहीं गलत नहीं है, हम गलत की बात नहीं करें, हिंदुत्व की ओर पूरा तरीके से मोल्ड हो जाना, पर प्रांतीय मुद्दे से सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पर मोल्ड हो जाना, उसकी तरफ सिर्फ झंडा सिर्फ ध्वज बदली करने से मुद्दा हिंदुत्व, और उससे पहले जब ध्वज अलग था तो मुद्दा हिंदुत्व नहीं, ये मैं आपको, मुझे लगता है ये दूसरे तीसरे बार बता रहा हूं कि जब जब कुछ महाराष्ट्र में या देश में हुआ है तो राज साहब ठाकरे ने एक हिंदुत्व का विचार, ये जब ध्वज कोई भी था तभी भी सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने इतने ही प्रखर तरीके से, इतने ही आत्मविश्वास से आगे रखा है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही रख रहे हैं, और ये जो कोई आज ये सब प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, ये जो इतर चार पक्ष के जो लोग हैं, इन्होंने पहले खुद आईने में खड़े रह के अपना चेहरा देखना जरूरी है, जो सत्य के लिए लाचार होके अपने थॉट प्रोसेस को, अपने जो विचार थे उसको बाजू में रखकर सिर्फ सत्ता के लिए लाचार होकर उन्होंने सत्ता काबिज की है, और वो हम पर सवाल उपस्थित कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी निजामशाही, कुतुबशाही, आदिलशाही, मुगल, ये चारों तरफ से आक्रमण हो रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राह छोड़ा नहीं, और ध्वज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का और हिंदुई स्वराज का था उसे स्वराज्य में लहराया। तो सन्माननीय राज साहब ठाकरे और महाराष्ट्र सैनिक हम भी सज्ज है, ये चारों जो उस भूमिका में आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही और मुगल के, उनको महाराष्ट्र सैनिक 1001 तक का मुंह तोड़ जवाब देगा, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन सुरेंद्र जी एक बात और उठी थी, शायद प्रकाश अम्बेडकर की तरफ से बात आई थी, उनके बेटे ने बात उठाई थी कि अगर जो है इतना बड़ा हनुमान चालीसा का जिक्र हो रहा है, राज साहब ने ऐलान कर रहे हैं, तो उनके बेटे क्या, थोड़ा सा आप कुछ मुद्दा उठा रहे थे, पूछ रहे थे, बताइए क्या। सर वो मुद्दे पे तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे अखिल जित्रे सर से बात करना है। अखिल जित्रे जी, देखिए आपने बात की छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, आपने बात की, तो देखिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी शिवाजी पार्क में, तभी भी राज साहब ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष थे वहां पे आए थे, उन्होंने पत्र लिखा था और पत्र ने सबको शपथ दिलाई, उस शपथ में उन्होंने कहा था कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। अगर उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में बात हुई है, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया हुआ है, उसी जगह पे गुड़ी पड़वा मेला हुआ, उसी शिवाजी पार्क में मेला हुआ, और तभी भी राज ठाकरे ने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, तो एक ही मुद्दा क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्या आप बाकी के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हो? यहाँ बाकी के मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोई बात ही नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है बताए, कि सिर्फ जो एक या दो मिनट का स्पीच है वो ही बार बार दोहराया जा रहा है, उसके ऊपर ही बात की जा रही है, मीडिया ने पूरा एक घंटे का जो स्पीच है वो अगर आप देखोगे तो उसमें एजुकेशन के बारे में, उसमें एसटी कर्मचारी के बारे में, उसमें महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिसमें जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति है मुकेश अंबानी जी, उनके घर के बाहर जिलेटिन स्टिक मिले थे, उसके बारे में आगे क्या हुआ, इंक्वायरी कहां तक पहुंची, उसका खुलासा क्यों नहीं, ऐसे एक ना अनेक मुद्दों पर सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने बात की है, महाराष्ट्र के हित के बारे में, देश के हित के बारे में सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने बात की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि टीआरपी और इतर पॉलिटिक्स खेलने के लिए जो मुद्दा चाहिए रहता है बस उसे ही हाईलाइट किया जा रहा है दो दिन से। नहीं, हमारे न्यूज एडिटर सीनियर एडिटर हितेन कौर जी हमारे साथ, कौर जी
क्या लग रहा है कि जैसे हनुमान चालीसा के पॉइंट को जो उठाया जा रहा है, मीडिया में इतना छाया हुआ, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ, ये क्यों? क्या ये कहीं ना कहीं इस चीज की कमियां लोगों को खल रही थी जो राज साहब ने इसको पूरा किया बोल करके? क्यों इसी मुद्दे को क्यों इतना इतना तूल दिया जा रहा है? देखिए यहाँ तक मैं समझता हूँ, पूरा देश जानता है बीजेपी दो बार राम के सहारे सत्ता में आई है जी। और मेरा सवाल अखिल जी से सिर्फ यही रहेगा, क्या राज साहब हनुमान जी के सहारे महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहते हैं? क्या बात है तो अखिल जी, क्या हनुमान जी के सहारे मनपा की सत्ता पे मंत्री को लग रहा है कि चांस हो रहा है? क्योंकि हनुमान जी ने लंका जलाया, समुद्र का सेतु बना, समुद्र लागे, हनुमान जी के जरिए राम जी के बहुत काम हुए हैं। तो राम के जरिए भाजपा ने कुछ पाया, अब राम के भक्त हनुमान जी के जरिए मन से कुछ पाना चाहती है। सब भ्रष्टाचारी जो सत्ताधारी लाचार बैठे हुए, उनका लंका दहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगी। क्या बात है, क्या बात है, यही मैं आपके माध्यम से कहता हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, सटीक जवाब। लेकिन लेकिन थोड़ा सा जो हनुमान चालीसा का जिक्र हुआ है, तो उसपे क्या जिक्र हुआ है? अर्जुन झंडे जी, क्या बात आई थोड़ा पूछिए मुझे। अखिल जी देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र निर्माण सेना काम कर रही है, कार्य करते जोरों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष या बाकी के अन्य पक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं अभी सवाल उठा रहे हैं। जैसे प्रकाश अम्बेडकर के लड़के हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि राज ठाकरे के जो लड़के अमित ठाकरे वो हनुमान चालीसा पढ़ा है, फिर हम भी वो बात करेंगे। तो आपका इस जो स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या जवाब होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या है ना सर, थोड़ा आईक्यू लेवल का प्रॉब्लम है। उन्होंने शायद स्पीच सुनी नहीं, स्पीच में कहीं भी खुद जाके हनुमान चालीसा का पठन करने की बात थी नहीं। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कह दिया है, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ये दी थी। वो 22 प्रतिज्ञा उनको पता है क्या, हाथ में बिना पेपर लिए वो पहले वो 22 प्रतिज्ञा बोल के बताए, और सिर्फ बोले ही नहीं तो उसका आचरण में अनुकरण करके बताए, वो और उनके जो कोई कार्यकर्ता है, 22 प्रतिज्ञा पहले पढ़ ले, और उसके बाद में फिर वो हमें आह्वान करे कि अमित साहब हनुमान चालीसा पढ़े या ना पढ़े। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी नहीं स्पीकर पे, वही तो मैं आईक्यू लेवल का प्रॉब्लम है, शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या बोला, बस एक टीआरपी के लिए स्टेटमेंट दे दिया। जी अखिल जी देखिए, मैंने राज साहब ठाकरे का पूरा भाषण देखा और मेट्रो मूवमेंट ने कवर भी किया था, तो वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी, जहां पे राज साहब ने खुद वहां पे आधार दिया था। तो हमेशा से ही रहता है सर्वाना मनपूर्वक। आवाज आवाज, हाँ बोलिए बोलिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई भी मेलावा हो, कोई भी जाहिर सभा हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला ये वहाँ रहता ही है। ये कोई इसमें नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। नहीं, एक 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 सवाल, एक सवाल चलते चलते जो दिमाग में आ रहा है कि जब तक बाला साहब ठाकरे थे, तो मन से उनके कार्यकाल में, उनके जीवन काल में बनी है 2006-07 में, तो उस समय मंचे बहुत तेजी से फॉर्म में आई, और उस समय शिवसेना पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी पार्टी कन्वर्ट हो चुकी थी, हिंदुत्ववादी तमगा पूरा शिवसेना के सर पे आ चुका था, और प्रांत पर प्रांतीय का मुद्दा छूट चुका था, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे जी धीरे धीरे कार्याध्यक्ष के रूप में शिवसेना के सामने आ चुके थे, और पूरे राष्ट्रव्यापी सोच के लोग चलने वाले चल रहे थे। तो उस समय पर प्रांतीय के मुद्दे पर सूचना छोड़ चुकी थी, तब मंचों को लगा कि पर प्रांतीय का मुद्दा कहीं ना कहीं खाली है, और उसको भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का इंतकाल हुआ, और उसके बाद शिवसेना ने जिस तरीके से दो पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सत्ता में बनाई, हिंदुत्ववादी मुद्दा शिवसेना के हाथ से खिसक गया। अब उस मुद्दे को फिर राज साहब ने धीरे से लपकने की कोशिश की है, क्या ऐसा अभी ये दौर जो अगर शिवसेना गठबंधन नहीं करती, तो क्या राज साहब का हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठता, ये अजान का मुद्दा नहीं उठता, ये बातें नहीं सामने आती? देखिए इसमें दो चीज है। सबसे पहले तो ये मुद्दे अगर आप पुराने स्पीचेस देखोगे या पुराने इंटरव्यू साहब के देखोगे, राज साहब के, तो उन्होंने ये मुद्दे इससे पहले भी लिए, क्योंकि आज जैसे आपने अच्छे से अंडरलाइन करके ये बताया कि शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है, ये हम नहीं कह रहे,
अभी आप कह रहे हो और पूरी जनता भी कह रही है कि हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है, इसलिए आज सलमान ने राजसाहब ठाकरे जो भी कुछ हिंदू हित में बोल रहे हैं, हिंदुत्व की लाइन लेके बोल रहे हैं, उसे हाईलाइट किया जा रहा है, वो फोकस में आ रहा है। हम इससे पहले भी कह रहे थे, हम आज कह रहे हैं, तो सिर्फ फर्क इतना हो गया है तब कि तब क्योंकि शिवसेना के पास हिंदुत्व आज उन्होंने छोड़ दिया है, जी, तो परिवर्तन आपको आने वाले समय में दिखेगा जी। और हमेशा पॉलिटिक्स में जब भी कोई भी वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम कोई भी फील्ड में वो वैक्यूम भरा जाता ही है, तो अगर वो वैक्यूम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भर रही है और अगर उस वैक्यूम भरने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोगों का हित देख रही है, हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व ये नहीं है कि किसी और समाज को तकलीफ दो, वही तो साहब ने कहा है कि हम धर्म नहीं है, धर्म अभिमानी, हमारा हिंदुत्व सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है जी। हमारा हिंदुत्व वो नहीं है कि सत्ता मिले तो लाचारी करके हिंदुत्व छोड़ दो और सत्ता की कुर्सी काबिज कर लो और वहां जाके बैठ जाए, तो हिंदुत्व हिंदुत्व में फर्क है, हिंदू तो हम तब भी थे, हिंदू तो हम आज भी है और इससे आगे भी रहे जी। हमने थोड़ी ना 3 रंग का फ्लैग लिया था तो हमने हमारा धर्म परिवर्तन कर लिया था, हम तब भी हिंदू थे, हम आज भी हिंदू है, हमने आज फ्लैग ऑरेंज कर लिया तो आज भी हम हिंदू है, तो इसलिए ऐसे बेतुके सवाल ये जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए पूछ रहे हैं ना, पहले वो अपने गिरिबान में झांक के देखे कि उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या किया। नहीं, आगे ये जो हनुमान चालीसा का मुद्दा क्या मन से इसको छोड़ देगी या इसको और आगे और उग्र बनाएगी, क्योंकि इसका जिस तरीके से टीआरपी मिल रहा है, जिस तरीके से भी मनसे को इसका प्रतिसाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्या आगे लग रहा है कि आगे मनसे सैनिक इसको और ज्यादा तादाद में इसको उग्र बनाएंगे, उठाएंगे, मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मनसे के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। इस सवाल का जवाब ही सवाल है जी। महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का फॉलो करेगी क्या? वो जो इलीगल लाउडस्पीकर्स है उसे नीचे उतारेगी जी? अगर वो सब इलीगल लाउडस्पीकर्स नीचे उतारेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे कुछ करने की या किसी और को कुछ करने की जरूरत ही पैदा नहीं होगी। नहीं, अगर 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 लाउडस्पीकर वहां से हट जाते हैं तो क्या हनुमान चालीसा पे फिर मन से कभी बात नहीं करेगी? क्या हनुमान चालीसा नहीं बजेगा? हनुमान चालीसा तो आज भी मंदिरों में, हमारे यहाँ बैंड्रा में हनुमान मंदिर है, और भी कई हनुमान मंदिर हो गए, और भी कई राम मंदिर होगा, वहाँ हनुमान चालीसा का पठन तो ऑलरेडी होता है। सिर्फ सवाल इतना था कि अगर कोई अन्य धर्मीय को सरकार लाउड स्पीकर की अनुमति देती है तो फिर हमारा हनुमान चालीसा जो मंदिरों में पठन होता है वो भी लाउड स्पीकर पे बजाया जाए। अगर आप लाउड स्पीकर पे नहीं बजाओगे तो हम भी लाउड स्पीकर पे नहीं बजाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी, आपने बहुत क्लियर कट किया कि किस तरीके से मनसे ने मुद्दे को उठाया है। मनसे हिंदुत्ववादी पहले से थी, हिंदू पहले से थी, हिंदुत्ववादी विचारधारा पहले से था, पर प्रांति मुद्दे को हम डाइवर्ट करके हिंदुत्ववादी मुद्दे पर जाना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि जिस तरीके से लोगों को तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ नहीं हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है उस पर सरकार अमल करे, उसकी सारी, क्योंकि ला नियम कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है, एक होना भी चाहिए, और यही मनसे की सबसे बड़ी विचारधारा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको यह मान लिया है कि यह सिर्फ चुनावी एजेंडा है, क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव सामने खड़ा है। अब देखते हैं कि इस अभियान से, इस दिशा से मनसे को कहीं भाजपा के साथ गठबंधन बनाने का रास्ता आसान होता है, गठबंधन होता है या नहीं होता है, चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन फिलहाल अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। अब देखते हैं कि यह तूल, यह मुद्दा कहां तक, कैसे और किस रूप में आगे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई, नमस्कार। वरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील
त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे. माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका. चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश. मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट. मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार. भारत सरकार का बड़ा फैसला. 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री. खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई.